हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग स्टैंडर्ड एसवाई बीकॉम सब्जेक्ट ऑडिटिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन टू एसर्टेन और वेरीफाई and to report upon the facts regarding its financial operations and the results thereof. Means auditing एक ऐसा system है जहाँ पे auditor books of accounts को और business के records को examine करता है. Examine करता है means check करता है, study करता है, analyze करता है. Correct? Why he is doing like so? Because he want to ascertain or he want to verify. उनको verify करना है कि जो reports है अकाउंट्स के अबाउट इट फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस है वो सारे के सारे ट्रू एंड फेयर है और इसी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। तो बच्चों, इन स्टूडेंट इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि ऑडिटिंग इज नथिंग बट इट इज अ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। ओके, एंड व्हाई ही इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? टू गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटिंग मतलब जहाँ पे ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली एग्जामिन करता है, चेक करता है और उसके बारे में रिपोर्ट देता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या उसमें कुछ एरर्स है, क्या उसमें कुछ फ्रॉड्स है, क्या उसमें कुछ गलतियाँ हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर बताता है और इसी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। See, auditing is concerned with verification of accounting data by determining the accuracy and reliability of accounting statement and reports. What is auditing? It is concerned with verification of accounting data. Accounting data को verify करना, जो भी transactions के records किए हैं, journal entry, ledger, financial statement, जो भी vouchers हैं, ये सारे data को verify करना और ये डेटा कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब कितना करेक्ट है, एंड रिलायबल, रिलायबल मतलब हम इस पर कितना डिपेंड रह सकते हैं ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट क्या क्लियर हुआ है कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इट इज वेरी क्लियर दैट ऑडिटिंग इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो भी रिकॉर्ड्स है बिजनेस के, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना, प्रॉपरली एग्जामिन करना। इससे क्या होगा, इट एनेबल्स द ऑडिटर टू जज दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रॉपरली ड्रॉन अप, है ना। सो व्हेनेवर द ऑडिटिंग ऑडिटर विल डू द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही विल बी एबल टू जज दैट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रॉपरली ड्रॉन। जो भी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है वो प्रॉपर है। ठीक है, सो इट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, और जब भी ऑडिटर ये जजमेंट करेगा कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रॉपरली ड्रॉन, he can exhibits a true and fair view of the financial state of affair. He will get the true and fair view of the financial state of affair of the business and profit or loss for the financial period. The auditor will have to go through various books of accounts. ठीक है ना, books of accounts को examine करने के लिए auditor have to go to various books of accounts and related evidence. रिलेटेड एविडेंस मतलब जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो ट्रांजेक्शन का एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है 12,000, करेक्ट, तो ये 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होगा जो पे किया होगा, है ना। टेलीफोन बिल अगर दिखा रहा है 10,000, तो 10,000 का टेलीफोन बिल वो चेक करेगा। तो जो भी एंट्रीज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्रीज वो प्रॉपर एविडेंस के साथ चेक करेगा। क्यों करेगा वैसे? टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ताकि वो सेटिस्फाई हो, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, है ना। ताकि वो उसको, ही विल बी सेटिस्फाइड अबाउट द एक्यूरेसी, वो उसको वो ये सेटिस्फाई होगा कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेट है और ऑथेंटिक है, करेक्ट है, रिलायबल है, और इसके बेसिस पे ही वो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में रिपोर्ट करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड व्हाट इज ऑडिटिंग। नाउ हु इज ऑडिटर?
The body which organizes auditing is termed as auditor. The person who do the auditing work, the person who examines the books of accounts, the person who examines the financial statements, right? The person who gives a true and fair view of the financial statement report, that he is known as the auditor. He is one who performs reports after due examination of accounting records and accounting statements, and he will be forming an impression, assumption regarding financial statements and will be reflecting a true and fair view of the records. क्या है, क्या बताया है कि एक वो एक ऐसा person है जो who perform reports after due examination of accounting records and accounting statements. एक बार accounting statements और accounting records बन जाते हैं of the company through management, auditor will perform the reports and he will form an impression, assumption. फिर वो अपना एक assumption देगा, एक impression देगा regarding financial statements, and he will be reflecting a true and fair view of the records, and he will give the true and fair view of the records. According to Companies Act 2013, only chartered accountant is qualified entities who can perform an audit of financial statement of the companies. क्या बोला है कि सी, अगर प्राइवेट कंपनी का ऑडिटिंग करना है, मान लो कि सोल ट्रेडर को ऑडिटिंग करना है, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है. एनी क्वालिफाइड पर्सन और एनी एक्सपीरियंस पर्सन कैन डू द ऑडिटिंग. लेकिन कंपनीज एक्ट 2000 के हिसाब से ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्वालिफाइड हु कैन परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज. जो कंपनीज है उनका फाइनल, उनका जो ऑडिटिंग है वो कौन करेगा? ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो स्टूडेंट्स, वी स्टडीड इन दिस वीडियो व्हाट इज ऑडिटिंग. इन सिंपल वर्ड्स, ऑडिटिंग इज नथिंग बट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द पर्सन हु डू ऑडिटिंग इज कॉल्ड एज एन ऑडिटर. ऑडिटर क्या करता है? बुक्स को एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद ही गिव्स हिज अजम्पशन, ही गिव्स हिज रिपोर्ट अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिटर कौन होना चाहिए? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू.